कहते हैं मैं जीत सकता हूँ और जीत आपकी अगर आप उसमें बिलीव करते हैं गेम शुरू करें। लेकिन अनस अब घबरा नहीं रहे, वकास भागे दूसरी तरफ और ये बलून शीशे को लगता हुआ लेकिन सर एनर्जी की गेम है, आवाम भी फुल एंजॉय कर रही है, वो भी एंजॉय कर रहे हैं एंड आई थिंक आप लोगों को तो मैं देख ही रहा हूँ। पॉइंट कंसीड कर दिया सर, ये तो नहीं देख सकता मैं। 3-3 ऑलमोस्ट 48 सेकंड्स और गेम फंस गई है। 28 सेकंड सर, इस तरह जिंदगी बदल जाती पता भी नहीं चलता। हमारे मेन जज खुद जा रहे हैं थर्ड एम्पायर के पास क्योंकि एक गेम फंस गई है, समझ नहीं आ रही। व्हाट एन एब्सोल्यूट अमेजिंग गेम, गेम ऑफ नर्व्स इधर चल रही है और मेरे हिसाब से ये किसी भी फुटबॉल या क्रिकेट की गेम से जो एक्साइटमेंट लेवल से कम नहीं है। हाँ भाई, क्या हाल है भैया, वेलकम टू द ब्रांड न्यू शो कॉल्ड बलूनी जो कि आप पाकिस्तान के नंबर वन चैनल गंजी स्वैग के चैनल पे देख रहे हैं और ये पाकिस्तान की तारीख का पहला वेब बेस्ड गेम शो है और मेरे साथ मेरे को होस्ट है अली अब्दुल्ला। कैसे अली? अंडर कंट्रोल जुनैद भाई, बट ये सब देख के मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो गया हूं। क्यों, खैरियत क्या हुआ? ये सब बहुत एपिक है भाई। बेसिकली यार मुझे नई चीजों का मुझे कीड़ा है, मुझे पंगे लेने का शौक है, कभी पॉडकास्ट कभी स्टूडियो। आज मैंने बोला यार कल्ली वली बड़ा वेयर हाउस लेते, बड़ा स्टूडियो और कोई नया करते। विजनरी आदमी जुनैद भाई, गेम शो डाल दिया है। बाकी एक विजनरी आदमी यार आपने मुझे लिया इस शो के ऊपर, इससे आपका विजन पता चलता है यार। चलो अगर आपको मैं जरा दिखाऊं भाई गेम शो क्या है, जो होगा इसमें होगा, बेसिकली इसमें होगा। ये हमने लिविंग रूम बनाया और लिविंग रूम में गाड़ी भी आ गई है, बस ये हमने एज अ प्रॉप डाल दी है। सही है, बेसिकली इट्स ऑल अबाउट बलून्स। गुब्बारे बड़े काम की चीज होती है, बिल्कुल। गुब्बारे अगर हों तो खुशियां होती हैं, गुब्बारे अगर फट जाए तो भी खुशियां आ जाती हैं। कहा जाता है कि गुब्बारों को फटने देना चाहिए। हाँ, तो हमने यहाँ पे जो है ना ये गेम बनाया है बेसिकली, इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले देखिए हर एपिसोड में मैं और अली तो साथ होंगे ही होंगे, बट वी विल ऑलवेज हैव वन स्पेशल गेस्ट इन एवरी एपिसोड जो कि अच्छा यानी कि हम दो तो होंगे पक्के और एक बंदा होता रहेगा रोटेट, क्योंकि हमें एनर्जी भी अप करनी है ना। डेफिनेटली, क्योंकि ये पाकिस्तान का पहला नंबर वन गेम शो है तो इसीलिए हमने बुलाया नंबर वन कॉन्टेंट क्रिएटर को जो अपनी एनर्जी के मामले में बड़े मशहूर है और सारी एनर्जी ड्रिंक एक तरफ और ये आदमी एक तरफ। कौन है ये बंदा? ये बंदा ऐसा है कि आप ना हिले और ये शो ना हिला आप नाम बदल दीजिएगा। ओह माय गॉड, स्टिंग तो नहीं आ रहा ना? नहीं। तो भाई आप सबकी भरपूर तालियों में प्लीज वेलकम मोमेश सागर। भाई मुझे उन्होंने कहा बाहर से आए, मैंने कहा मैं इतनी ज्यादा देर जुनैद भाई से इतना दूर नहीं रह सकता, तो उनके पीछे जो गाड़ी है उसमें छुप जाता हूँ, गाड़ी में छुप गया मैं। अल्लाह का शुक्र आप सुनाए, माशाल्लाह लुकिंग शार्प। थैंक यू सो मच सर, यू आर वेलकम। जुनैद भाई बड़ी बड़ी मुबारक हो, पाकिस्तान में अगर कोई इस तरह की इनोवेशन ला सकता है, एक इस तरह की नई चीज ट्राई कर सकता है तो वो हमारे अपने पाकिस्तानी स्टीव जॉब्स जुनैद अकरम साहब ही कर सकते हैं। सर बस मेरा मूड हुआ, मैंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए, क्या हो रहा है ये? तो भाई यहाँ पे हम गेम करने लगे हैं सर, और गेम ऐसी क्योंकि जिंदगी में भी हमने गेमें की हैं, तो गेम बड़ा सिंपल है। तो भाई बेसिकली इट्स अ लिविंग रूम का सेट। अच्छा, 16 तगड़े कंटेस्टेंट्स हमने नॉमिनेट किए हैं जो कि 1-1 का मैच होगा। 16 के 16 लॉन्ड अंदर नहीं होंगे, एक साथ नहीं होंगे, दो होंगे ठीक है, साथ में रेफरी होगा। ये बलून है, ये इसको हमने हवा में उड़ाया, फिर अब अगले ने यूं करना है, जमीन पे नहीं गिरने देना, जब भी जमीन पे गिरा दूसरे का पॉइंट हो जाएगा, समझ रहे? जैसे बैडमिंटन का रूल होता है ना, आपने गिरने नहीं देना होता। अच्छा, तो यानी कि आपको कहीं पे भी थ्रो कर सकते हैं? हाँ, कहीं पे भी इधर उधर थ्रो करना, लेकिन थ्रो करने का भी तरीका आपने ऊपर ही करना है, आप ऐसे नीचे स्मैश नहीं कर सकते, आप जो है इसको ऐसा उल्टा यूं नहीं कर सकते, आपने उधर ही रखना है। भाई ये बलून नहीं है, जिंदगी है, जिंदगी में जिस तरह आप गिर नहीं सकते, इसको आपने अर्श से फर्श पे नहीं आने देना, इसको ऊपर ही रखना। तो ये गाड़ी वाड़ी फिर इसका क्या काम है? ऑब्स्टिकल्स है ना भाई, इसके ये मुकाबला सख्त करने के लिए हमने ये बीच में ऑब्स्टिकल्स मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। मैं उन सब पे आऊंगा, देखें आपने यू स्मैशिंग नहीं करनी, ठीक है, नीचे नहीं करना, पीछे नहीं करना, बॉडी आपने जो है हिट करके अगले को जगह देनी है। अगर जगह रोकी आपने ब्लॉकिंग की,
रेफरीज हमारे साथ दो मौजूद हैं, एक इंक्लूजर के अंदर एक इंक्लूजर के बाहर होंगे। येलो कार्ड रेड कार्ड सारा इंतजाम है। अगर किसी ने बोला जी मेरा जमीन पे नहीं लगा तो थर्ड अंपायर कैमरे में चेक भी कर सकता है। ये भी है, रिव्यू वाला सीन भी है। 5 मिनट का गेम प्ले है, ठीक है, ढाई ढाई मिनट के 2 हाफ, ठीक है, तो ये करना है और जिसके ज्यादा पॉइंट हुए वो होगा अगले राउंड में जाएगा। जीतने पे कुछ है, यही तो सारा गेम है। जो फाइनल जीतेगा इस टूर्नामेंट का उसको 1,00,000 रुपए कैश। अब बता रहे तो मुझे जज क्यों बना रहे हैं? नॉट ओनली 1,00,000 रुपए कैश लेकिन उसको एक्सबॉक्स वन भी मिलेगा। आप लाइव में जजिंग ही करो और आपको वहां सिर्फ पानी मिलेगा। नहीं यार, मुझे खेलना है। रनर्स अप को मिलेगा मोबाइल फोन एंड 50,000 रुपीज। तो ये इसके लिए जंग हो रही है इस कमरे में और ये जंग चलेगी कुछ दिनों तक। सर ये तो दिस गेम इज अबाउट परसिवेरेंस। आपने हिम्मत नहीं हारनी, बलून नीचे नहीं जाने देना। अच्छा गुब्बारा फट सकता है? गुब्बारा अगर फट जाएगा हमारे पे मशीन लगी है नया गुब्बारा, तो वो फिर कोई फाउल नहीं है। बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं, राइट? बिल्कुल। जैसे कि आपको पता है कि जी बलूनी के जो टाइटल स्पॉन्सर है द दुआ ब्रांड, अल्लाह ने हमारी दुआ कबूल की, वक्त पे ये दुआ हमारे पहुंचा दी, वरना हम बड़ा खर्चा लगाया, बड़ा खर्चा हो गया, दुआ ने बड़ी हमारे साथ वो की है। दुआ ब्रांड जो है ये एलए बेस्ड कंपनी है, लॉस एंजलिस में इनकी लेबोरेटरी है, उस लेबोरेटरी से ऐसी ऐसी खुशबुएं निकालते हैं आप भाई प्रो मैक्स खल्ली वल्ली हो जाएंगे। तो बड़ी लॉस एंजलिस में है, नाम पे भी दुआ है। हाँ यही तो बात है, लॉस एंजलिस को दुआ दे दी भाई। और उसके बाद हमारा जो दूसरा ऑब्स्टिकल है ये वास स्नैक्स का हमारा एक टेबल काउंटर है, ठीक है, और वास स्नैक्स जो है हमारा मंचिंग पार्टनर है भाई। देखिए मिर्च मसाला चलेगा ना गेम, भूख भी लग सकती है, भूख भी लग सकती है, तो मंचिंग हमारी साथ साथ चलेगी। एंड इन एसोसिएशन विद वावा कार्स, वावा कार्स जो है माई ट्रस्टेड पार्टनर, गाड़ियों की खरीदो फरोख्त तो बेचनी हो खरीदनी हो बड़े आराम से इनके ऑफिस में जाओ, कॉफी पियो, गाड़ी बिक जाती है यार। सभी हमारे पार्टनर्स हैं। अब देखे भाई ढाई ढाई मिनट के दो हाफ हो गए, जाहिर है सांस लेगा, प्यास लगेगी, तो हमारा हाइड्रेटिंग पार्टनर है वोटेला, वोटेला का पानी पियेंगे, जरा अपने आपको हाइड्रेट करेंगे, फिट करेंगे। एंड बिकॉज दिस गेम शो इज प्रोन टू इंजरी, अल्लाह ना करे कुछ हो सकता है, तो हमने बिल्कुल हमारे जो है मेडिकल पार्टनर है फाइंड माई डॉक्टर विच इज अ वंडरफुल ऐप, माई ट्रस्टेड पार्टनर। मैं हमेशा अपने कोविड टेस्ट भाई घर में लैब खोल ली, घर में आके यूं करके सारे काम कर देते हैं। वेरी गुड, बहुत जबरदस्त ऐप है, जरूर डाउनलोड करें, सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। तो भाई विदाउट फर्दर अडू बहुत हो गया, अब भाई हम जा रहे हैं कि गेम शो की तरफ चले। मोमिन साकिब साहब खड़े हैं, बिल्कुल एनर्जी का गुब्बारा। लेकिन अब हमने क्या करना है, हम भी गेम खेल रहे हैं, वहां पे जाके कमेंट्री बॉक्स पे कमेंट्री करनी है, लेकिन उससे पहले हमने अपने कंटेस्टेंट्स को बुला लिया। तो भाई क्या नाम है जरा उनको बुलाएं। लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर मिस्टर अनस एंड मक्कस। यार माशाल्लाह इतनी सेफ्टी, ये बलून बटेगा बलून है यार। लाख रुपए का मामला है ये, देखो आप लाख रुपए का मामला है और एक्सबॉक्स है, जान पे खेल के जीतना पड़ेगा। तो भाई चले फिर हम अपने कमेंट्री बॉक्स। लगता है भाई ने अब गेम के लिए बॉडी बनाई है, पूरी तैयारी की है। वाह किसकी है भाई, इसके मसल्स है। वाह वेरी नाइस, ठीक है जी। सर मोहित साहब क्या कहते हैं फिर? बिस्मिल्लाह करते हैं। ओके जी रेफरी ओवर टू यू। चले जी आए गेम शो स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, द दुआ ब्रांड प्रेजेंट्स बलूनी का पहला मैच होने जा रहा है अनस और वकास के दरमियान। रेफरी साहब प्लीज टॉस कीजिए। तो इनमें से अनस कौन है और वकास? अनस रेड शर्ट में है, वकास ब्लैक शर्ट में। अनस के मसल्स हैं और वकास के थोड़े मसले हैं। हेड या टेल किसी ने कॉल की है? मोमिन साकिब हमारे साथ मौजूद है और मुझे लगता है रिजल्ट आ गया और वकास टॉस जीत चुके हैं और वो ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हैं जैसे वो गेम ही जीत गए हैं। अच्छा और माहौल लाइटें वगैरह सब देख के मेरे तो एक्साइटमेंट लेवल्स और ही ज्यादा हो गए हैं। ले जी रेफरी के हाथ में बलून आ चुके हैं। अरे वाह, वकास पहले सर्व करने जा रहे हैं। 5 मिनट का टाइम है, ढाई ढाई मिनट के 2 हाफ होंगे। पहला हाफ होने जा रहा है, वकास सर्व करेंगे, रेफरी की सीटी का इंतजार है। गेम स्टार्ट हो गई और गेम स्टार्ट हो गई है और ये अनस ने पहली शॉट मार दी। ऑडियंस का जोश बलबला देखिए सर, ये वकास की तरफ से ये मुश्किल में डाल दी उन्होंने अनस को। अरे वाह, ये अनस ने क्रेजी शॉट लगा दी और ये बॉल तड़पा के शॉट मार रहा है। अच्छा ये बॉल बलून बाहर गिरने ही वाला था लेकिन बच गया। ये वकास की तरफ से शॉट लगी और अनस ये चपाटे ऐसे मार रहा है जैसे फंडा हो गया है। ये टेबल पे गिरते गिरते बचे हैं। ये एक्सबॉक्स को अगर कुछ हो गया तो जीतेंगे क्या? शाबाश शाबाश शाबाश, बाहर बाहर बच गया। कैंडी के पास ठीक है, दुआ पर इनके पास ये
ओए दूसरी तरफ फेंक दी उन्होंने, ये 200 की स्पीड पे गए और वापस से उठा ली। ओए गॉड, एक मिनट हो गया है और फिर से एक बार। वकास ने क्या दौड़े लगे भाई। वकास इस वक्त सोच रहे किसी तरह मैं गाड़ी उठा के बाहर रख दूं। और अनस जा रहे हैं, अनस पहुंचो पहुंचो। ये वकास ने कट शॉट मारी और भागते हुए अनस दूसरी तरफ। गोर अभी तक लेवल है। ओए होए होए, अभी तक लेवल है। ये मिल गया मैच। ओए शाबाश, कम ऑन। ये गाड़ी कब ज्यादा है वो एक। ओ ये भागे। अच्छा जी, आराम की सपोर्ट बड़ी है, अनस साहब की बड़ी सपोर्ट है। ये भागे बकास भागे सर। ये बड़ा शानदार टफ मैच, नेक टू नेक। ओ ये फाइनली गेम का पहला पॉइंट सर, ऑलमोस्ट। चले जी, चले वेरी नाइस। ये वापस गेम शुरू हो गई और ये वकास ने फिर से टफ पोजीशन में डाल दिया अनस को। लेकिन अनस अब घबरा नहीं रहे, वकास भागे दूसरी तरफ और ये बलून शीशे को लगता हुआ। लेकिन अरे वाह, सोफे से चला मारी। ये यार, ये टेबल के कोनों से बड़ा डर लग रहा है मुझे। नहीं, हम बस पूरी मेडिकल असिस्टेंस है। बस फिर टेंशन क्या? अच्छा, व्हाट अ सेव। बहुत सेव किया है यार, बहुत सेव किया है अनस ने। और वकास को टफ टाइम, ये बहुत टफ टाइम दे दिया, बहुत टफ टाइम अनस। ये बड़ी जबरदस्त बचत हुई है। अच्छा, स्मैश डाउन नहीं कर सकते, स्मैश डाउन नहीं के खिलाफ है ये। जरा नोट करते रहेंगे, यहाँ से हम भी नोट कर रहे हैं। ये ऑब्स्टिकल्स बड़े ठीक से फिट हुए हैं क्योंकि गेम को बहुत एक्साइटिंग बना रहे हैं वो। सर सारा गेम ही यही है। ये और पहला आप खत्म होने में 7 सेकंड रहते हैं और ये ऑलमोस्ट ये बच गया। वहां का स्टैंड ही बच गया भाई, मंचिंग। और ये पहला हाफ खत्म हो गया है। पहला हाफ का इख्तिताम हो गया है। यार बॉयज बहुत थक गए, मैं जरा थोड़ा सा ना उनको इनको मोमेंट साकिब, मैं इनको थोड़ी सी मोटिवेशन देख रहा हूँ। फास्ट चार्जर है मोमेंट साकिब। अरे अरे जिंदा है अनस, है वकास भाई, कमाल गेम खेल रहे हो। लेकिन ये जो ऑब्स्टिकल्स हैं, ये जो मुश्किलात है, इनसे डरना नहीं है। मुश्किलात जिंदगी में आती हैं कि बंदा उन मुश्किलात को डील करके आगे बढ़े। लेकिन इधर जिस तरह आप लोग एक दूसरे के खिलाफ माशाल्लाह ब्रेन से टेक्निकों से उधर फेंक रहे हो, ऑडियंस लव कर रही है आपको। आप दोनों के लिए भरपूर बाहर आवाम की तरफ से प्यार है। गेम के बारे में क्या लग रहा है, आप जीत रहे हैं? आप जीत रहे हैं? जीता हूं। दोनों का माइंडसेट भाई, ये माइंडसेट की गेम है सारी। मैं तो जाऊं, मैंने गेम एंजॉय करनी है। गेट रेडी। सर एनर्जी की गेम है, आवाम भी फुल एंजॉय कर रही है, वो भी एंजॉय कर रहे हैं। एंड आई थिंक आप लोगों को तो मैं देख ही रहा हूँ। मुझे लगता है अब हम दूसरे हाफ की तरफ चलते हैं। रेफरी साहब, दूसरे हाफ का इफ्तिताह कीजिए। ले जी, अनस के हाथ में बलून आ चुका है। अनस ये रेडी हो रहे हैं, फुली फुली पंप्ड अप है। दूसरे हाफ का स्ट्रेचिंग कर रहे हैं। रेफरी, हम आपका वेट कर रहे हैं। रेफरी साहब फुल प्रोफेशनल, फुटबॉल के बड़े अच्छे रेफरी हैं और हमने भी जो रूल्स हैं फुटबॉल जैसे ही बनाए हैं। गेम के जो ग्रीन जॉगर्स हैं, हाँ, इको फ्रेंडली। अच्छा, वो गाड़ी के कलर के साथ भी मैच कर रहे हैं। ऑलराइट जी, और ये बलून हवा में चला गया। उतना ऊपर भेज दिया कि 10 से बकास बड़ी दिमाग से खेलते हैं, ऑपोजिट तरफ शॉट फेंक देते हैं। ओ गया 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 गया, वो बच गया। ये बाहर अगर जाता तो ये पॉइंट वकास का हो सकता था और लेवल बराबर हो जाता। ये जबरदस्त जा रहा है। ओए वकास ने टीवी की गाली उस तरफ, बाबा वकास की तरफ सारा एक्शन हो रहा है इधर। ओए बहुत बहुत इंटेलिजेंट शॉट थी, बहुत इंटेलिजेंट शॉट खेली है। ओके गाड़ी की उस तरफ, ये को ब्लॉक नहीं करना है, हमने ये मेक श्योर करने के ब्लॉक नहीं। और रेफरी की स्पीड है चेक करने वाली है इस मैच में। ये ओए टाइम रह गया है, ऑलमोस्ट 1:45 रह गए और गेम अभी भी बड़ी टफ चल रही है। ये ओ बाहर चली, कमाल। जैसा कि आपने देखा, इंक्लूजन के बाहर से बलून गया, पॉइंट कंसीड हो गया, अनस के हो गए 2 पॉइंट, वकास के अभी भी 0 है। लेकिन उम्मीद नहीं हारनी भाई, वकास को बताओ। वकास भाई थोड़े से अंडर प्रेशर मुझे नहीं लग रहे, वो अभी भी रेडी है। वो कहते हैं मैं जीत सकता हूँ और जीत आपकी अगर आप उसमें बिलीव करते हैं। गेम शुरू करें, ये गेम स्टार्ट हो गया। वेरी इंटेलिजेंट शॉट, पहली गाड़ी की उस तरफ, बड़े बैंक ये वापस, ये गाड़ी के ऊपर आ चुका। क्या शॉट के लिए, ऑलमोस्ट 10 सेकंड के अंदर तीन अनस, तीन वकास, नील,
चले भाई बकास, वापस गेम शुरू होने लगी है। ये फिर गई। ओए अच्छा एक्शन सारा गाड़ी किस तरफ हो रहा है। हाँ, ये फिर उन्होंने जरा लंबा है तो उनकी कोशिश है कि जरा भागने अच्छा ये सिर्फ माइंड से बड़ा खेल रहे हैं ये लोग सोफों के बीच में से। ओए ये 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 बच गई। ओए 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 अनस ने क्या घुमाया वापस सोफे पे लेट गए यार। ओए अच्छा फर्नीचर कुर्सियां गिर रही है तहस नहस। ये ओए वापस भागते हुए ये इन्होंने एक और शॉट किया। टाइम रह गया है ऑलमोस्ट 48 सेकंड्स और गेम फंसी गई है। ये पॉइंट कंसीड कर दिया है अनस ने स्मैश डाउन क्योंकि स्मैश डाउन किया स्मैश डाउन रूल के खिलाफ है तो वकास का एक पॉइंट हो गया है। अच्छा अब क्या पॉइंट सिस्टम पॉइंट्स कितने हो गए जुनैद भाई? 3 और 1। अरे वाह अनस के 3 पॉइंट्स है वकास का 1 है। स्मैश डाउन पे पॉइंट कंसीड हो जाएगा। वेरी नाइस रूल्स आर रूल्स। गेम फिर से शुरू और ये बकास ने वापस की तरफ शॉट मारी और अनस वापस भागते हुए उन्होंने दूसरी तरफ जोर की शॉट गाड़ी से भागते हुए बच गया। ये ओए ओए सोफों के ये सोफों की से बड़ी मजे की गेम बन रही है। ओए बाहर गेम फंस रही है। अनस से वो ये बलून बाहर चला गया वकास को पॉइंट दे दिया है और अब क्या हो गया 3-2 हो गया। ओए गेम फंस गई। वकास के पास आखिरी होप है सिर्फ 28 सेकंड सर। इस तरह जिंदगी बदल जाती पता भी नहीं चलता। अभी तकरीबन 3 सेकंड पहले तक वकास गेम हार रहे थे अब गेम फंस गई है। वापस गेम शुरुआत 27 सेकंड पे और ये बोलर को लगती है वापस वकास ने एक अच्छी शॉट खेली। ये अनस ने ओ अच्छा ये पॉइंट कंसीड कर दिया सर। ये तो नहीं देख सकता मैं 3-3 फंस गया फंस गया। ये क्या हो रहा है भाई क्या बात है क्या बात है। यू आर अ ट्रू फाइटर वकास। जिस तरह आप वापस आए हैं जिस तरह आप जमीन से वापस आके आपने अपने आप को इस गेम में आप वापस लेके आए मैं सलूट करता हूं आपको 3-3। और अपना अनस तुम भी माशाल्लाह बहुत अच्छा खेल रहे हो लेकिन ये क्या है यार क्यों स्मैश डाउन कर रहे हो। वेरी नाइस ओके 21 सेकंड्स लेफ्ट। ओह माय गॉड अच्छा अच्छा कौन जीता है। बहुत एक्साइटिंग गेम थी। सही है। ओए 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 वापस ओए अच्छा ये टॉम एंड जेरी की तरह का सीन हो रहा है। अनस ओए अनस का एक और पॉइंट हुआ सिर्फ 6 सेकंड रह गए हैं 6 seconds to go और क्या points हैं? अच्छा referee आपस में discussion। ओह ये आपस में discussion हो रही है। हम देखना चाह रहे हैं referee ने क्या decide किया? Oh my god। ओह third umpire। Third umpire की जानिब गया मामला भाई। Third umpire की जानिब चला गया। Review का system है कोई इधर? बिल्कुल है उसामा review check कीजिए। अच्छा आप देखें कि वकास थोड़े से परेशान लग रहे हैं क्योंकि बिल्कुल 6 सेकंड गेम में रह गए और इतने लास्ट मोमेंट पे जब भी आगे कुछ अदलाव बदलाव हो तो बहुत से गेम उठी है। आप ये देखिए 3-0 से वो हार रहे थे और एकदम जो है अचानक एकदम 3 पॉइंट हो गए और अब हम रिव्यू पे चले गए। अच्छा वो जो अनस से बाहर गई है ना बॉल आई थिंक वो टर्निंग पॉइंट थोड़ा सा हुआ है। वो अगर स्मैशेस भी तो मांगी दो स्मैशेस वो उन्होंने आई थिंक ही गॉट अ लिटिल फ्रस्ट्रेटेड। अच्छा खासा वो जा रहे थे लीड पे थे। रीप्ले देखते हैं हमारे थर्ड एम्पायर और मुझे लगता है वो बहुत ध्यान से देख रहे हैं। टफ शॉट थी और रीप्ले में भी बड़ी क्लोजली वॉच किया जा रहा है ताकि किसी किस्म की डिस्क्रिपेंसी ना आए कोई भी गलत डिसीजन हमारे थर्ड एम्पायर ना ले सके जो कि आई थिंक एक बहुत अच्छा डिसीजन है। और मैं जो हमारे रेफरी बाहर हैं उनको सलूट करना चाहूंगा कि इस तरह उन्होंने शीशे के बाहर से वो भी शुरली की तरह राइट लेफ्ट भाग रहे थे देखने के लिए कि बॉल कहां गिर रही है। व्हाट एन एब्सोल्यूट अमेजिंग गेम ऑफ नर्व्स इधर चल रही है और मेरे हिसाब से ये किसी भी फुटबॉल या क्रिकेट की गेम से जो एक्साइटमेंट लेवल से कम नहीं है। मैं देख लूं आके हमारे मेन जज खुद जा रहे हैं थर्ड एम्पायर के पास क्योंकि एक गेम फंस ही गई है। समझ नहीं आ रही कि क्या ये जान के स्टेप उठाया गया वकास की तरफ से या एक गलती थी। जुनैद अकरम साहब जो कि इतिहास में पहली दफा इस गेम शो के खुद थर्ड एम्पायर से मीटिंग करने चले गए और मुझे लगता है गेम को शायद पॉज करना पड़ेगा कुछ देर के लिए। थर्ड एम्पायर की अभी अभी कॉल आई दुबई से कि मैं चाहूंगा कि आप खुद आए ये गेम फंस ही गई है वकास या अरसलान और वकास या अपना अनस और एक्सबॉक्स एक एक्सबॉक्स के पीछे देखें क्या क्या इस दुनिया में भी है। 1 लाख आपको अगर 1 लाख रुपए मिल जाए आप क्या करेंगे सर? खाना 1 लाख रुपए का खाना खाएंगे कहाँ? खाना 1 लाख रुपए का खाना खाएंगे आप खुद 200 नान खा जाएंगे लोगों को लेके जाएंगे आप लोगों को खिलाएंगे सोशल वर्कर
एक सोशल वर्कर है ये, दुनिया के बारे में सोचती है। इन्होंने वादा किया है कि अगर कभी इनको इस गेम में हिस्सा लेने का मौका मिला और ये लाख रुपए जीते तो ये लोगों को खाना खिलाएंगे। आप खुद भी कोई 500,000 रुपया रखेंगे सुपारी लेचिस बारी के लिए या सारा ही बाइक भी निकल जा सकती है बाइक। तो आहिस्ता आहिस्ता आपके जो सेल्फिश मोटिव्स हैं वो आ रहे हैं, और पहले आपने वादा किया था आप लाख रुपए के नान खिलाएंगे, अब आपको मोटरसाइकिल चाहिए। तो हाँ ना, अब लाख रुपए तो हो गए, और फिर बाइक का पेट्रोल का भी उसके लिए अलग, और बाइक के लिए ड्राइवर भी लेंगे। नहीं, वो तो खुद चला लेंगे, खुद ही चलाएंगे। वेरी नाइस। तो ये कुल मिला के आपका तकरीबन 60,000 से 70,000 का बाइक होगी, बाइक की हो गई खर्चा 40 हो गए पेट्रोल के, पेट्रोल के। तो आप आगे लोगों से जिनको रोटी खिलानी थी उन्हीं से उधार लेंगे। अरे जुनेद अकरम साहब गेम में वापस आ गए, एक मिक्स्ड उनके एक्सप्रेशंस हैं, मिक्स्ड इमोशंस हैं, समझ नहीं आ रही कि क्या जुनेद भाई पीछे क्या हुआ था। थर्ड एम्पायर जिंदा है कि वो अपना टेंशन से अपना नहीं मारी, मैं मेरा बताता गेम छोड़ गया। थोड़ी सी टेक्निकल उनको लग रहा था कि कहीं रास्ता ब्लॉक हुआ है, बट मेरी नजर में ब्लॉक किसने किया नहीं। आप सो अनस ने स्ट्राइक की, उसके बाद वकास रीच कर रहे थे, वो नहीं पहुंच पाए। उनका कंसर्न ये था कि हमें ये ब्लॉकेज लग रही है, लेकिन ये मुझे जेन्युइन लगी, वो ब्लॉकेज नहीं थी। अनस का मूवी ऐसा बन जाता, वो मूवी ऐसा था। सो इन माय ओपिनियन ये पॉइंट अनस का है। चलें जी, ये डिसाइड किया गया, अनस के पॉइंट हो गए। तो अनस is leading with 4, Vakas is and 6 seconds to go, 6 seconds to go, 6 seconds to go. I think ye hum countdown karte hain saath mein, ek excitement level sare saath mein milke karte hain countdown, please referee come on, 6 5 4 3 2 1 game up। oye aur ye अनस ये पहला मैच जीत चुके 4-3 से, बड़ा कांटेदार मुकाबला था। गले बले भी मिल रहे हैं जो कि बहुत अच्छी बात है, रेफरी को भी शुक्रिया अदा किया, बहुत अच्छा मैच हुआ, कांटे का मैच। कहां ये मैच वन साइडेड जा रहा था, 3-0 से अनस जीत रहे थे, फिर वकास ने बहुत जबरदस्त गेम खेला, उनको चेस किया, 26वें सेकंड से वापस आए। देखिए मैं कंग्रेचुलेट तो करना चाहूंगा अनस को, लेकिन आई एम हैप्पी कि इतनी मजेदार गेम हुई, वन साइडेड गेम नहीं थी। हाँ, दोनों ने अच्छा खेला, दैट एडेड टू द एक्साइटमेंट। बहुत बहुत मुबारक हो आपको बकास, बहुत आपने अच्छा खेला, अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे। थैंक यू, कंग्रेचुलेशंस अनस, क्या गेम खेली आपने, गुड गुड जॉब, बहुत जबरदस्त। तो भाई जैसा कि आप देख रहे हैं अनस अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर गए, लेकिन गंजी सोया के गेम शो में कोई खाली हाथ नहीं जाएगा। तो वकास के लिए हमारे पास है 5,000 रुपीज का कैश इनाम, और साथ ही बहुत जबरदस्त गिफ्ट हैम्पर विद द दुआ ब्रांड के परफ्यूम्स, उसमें वास स्नैक्स के निम्को है, वोटेला है, और बहुत सारी चीजें हैं। तो जी ये था हमारा पहला मैच, और वकास जो कि हमारे रनर्स अप हैं उनको दिया जाता है द दुआ ब्रांड की तरफ से गिफ्ट हैम्पर और 5,000 रुपए का कैश इनाम। और हमारे आज के विनर अनस को मोमिन साकिब की तरफ से दिया जाता है द दुआ ब्रांड का एक्सेस कार्ड, क्योंकि इन्होंने एक्सेस कर लिया है क्वार्टर फाइनल्स के लिए। बहुत बहुत मुबारक हो। तो जी ये था द दुआ ब्रांड प्रेजेंट्स बलूनी का एपिसोड 1, और मोमिन साकिब हमें बड़ा मजा आया आपकी कमेंट्री के साथ, तो हम चाहेंगे कि आप एक और मैच में भी हमारे साथ आएं और कमेंट्री करें। जितनी आपकी जुनेद भाई मोहब्बत है और जितना मैंने शो एंजॉय किया, अगर आपने कह दिया तो बस आप समझे मेरी तरफ से तो हाँ है। तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा ताकि आपको अगली एपिसोड की अपडेट्स आती रहे। तो ये थी आज की हमारी एपिसोड, आई होप यू गाइस एंजॉयड, इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली एपिसोड पे, तब तक के लिए खुदा हाफिज। कली वली सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ओवर एंड आउट। रिप्ले देख रहे हो? हाँ ना, बाहर ने बोला है। अगर दिल कर रहा है तो देख ले। ए जुनेद भाई की उम्मीदें हैं तेरे साथ अनस, साला 15 साल का रिश्ता तू बलून गिरा देगा, कम ऑन चम दी मेर बनी अनस। अनस यू आर अ बिल्डर, 1-2 1-2 एक एक्स बॉक्स जीत के तुम इसी के अंदर बढ़ जाओगे, तुम्हारी जिंदगी में और कुछ नहीं रह जाएगा इस एक्स बॉक्स के अलावा। नशा नशा नशा। तो भाई अनस जैसे के देख रहे हैं अगले राउंड के लिए, तो भाई रनर्स अप वकास जो है उनको दिया जाता है 5 रुपए का, और साथ ही बहुत जबरदस्त गिफ्ट हैम्पर विद द दुआ ब्रांड के परफ्यूम्स, उसमें और बहुत सारी चीजें हैं। सो वकास थैंक यू सो मच। ओए कहाँ टोकरा।